भाई भी मनो कैसे खूब आप लोग अच्छे को तो फिर जमीन के मामले निपटारा के लिए सभी DCLR से कमीशन लेंगे और रिपोर्ट पूरी जानकारी को मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो मैं बता दूं आज का जो ये वीडियो होने वाला है काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो के अंत तक देखें क्योंकि आप जो है जमीन के मामले निपटारे के लिए सभी DCLR से कमिश्नर लेंगे रिपोर्ट। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं ये जमीन के मामले में निपटारे के लिए सभी DCLR से कमिश्नर लेंगे रिपोर्ट। अब जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संबंधित कार्यों की समीक्षा होगी। परमंडलीय आयुक्त 25 को त्रिप प्रमंडल के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें सभी संबंधियों को अवगत करा दिया गया है। कहा गया है कि दाखिल कार्य समेत अन्य मामले में अपडेट रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। उनमें इसमें से जमाबंदी, ई माफी, दाखिल खरीद, बिहार लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट, फिफो वायलेंस और अभियान बसेरा समेत अन्य एजेंडा को शामिल किया गया है। इन मामलों को वर्तमान स्थिति में अंचल स्तर पर इस पर अपडेट रिपोर्ट लाने को कहा गया है। बता दें कि पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा है कि समय समय पर विभागीय समीक्षा होती है। इसमें पाया गया है कि कई ऐसे भूमि उप सुधार उप समाहर्ता जो राजस्व संबंधी कार्यों को करने में रुचि नहीं लेते हैं उनके द्वारा अंचल कार्यालयों को निरीक्षण और पर्यवेक्षण समय पर नहीं किया जाता है। अंचलाधिकारी अन्य कर्मियों के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता के बीच संवाद की कमी होने के कारण कार्य की गति प्रभावित हो रही है। अब जो है इनके द्वारा किस स्तर पर कार्य किया जा रहा है इसकी समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्त जो है करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।